हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सामान रख के थक गए थे पूरी तरह कल। सामान आप लोगों ने कमेंट करे हुए थे कंचन की वीडियो पे, एक एक सीढ़ियों के नीचे किचन नहीं होना चाहिए। देखो आजकल जो है ना किचन, मेरे घर भी किचन ना सीढ़ियों के नीचे ही है, क्योंकि पहले किचन था ना जो सीढ़ियों के नीचे बनाते थे। वास्तु शास्त्र के अनुसार ना जो सीढ़ी है वो सही बनाई हुई है, किचन भी सही बनाई हुई है। बस यही है कि जगह जो थी ना थोड़ी थी, इसलिए उन्होंने जिनका मकान था पहले वो उन्होंने ना नीचे ही बना दी थी सीढ़ियों के नीचे। तो जो पाकिस्तान में जितने भी हमने घर देखे हैं ना इंस्टाग्राम पे जगते, उनकी जो किचन है ना वो सीढ़ियों के नीचे ही बनी होती है, बनाई हुई है। तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ऐसे नहीं है कि खुली जगह हो तो किचन अलग से हो, है ना। अगर जगह थोड़ी है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट तक तो करनी पड़ती है। अगर आप खुला घर देखेंगे पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो कंचन की भी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो प्रियांश को बोल रही थी, उल्टियाँ करके आई थी, प्रियांश से बोल रही थी कि प्रियांश मेरी ना सिर दबा दे। तो वो मस्तियाँ कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था उसका, वो सिर बांध के पड़ी हुई थी। और सवेरे थोड़ी सी मेडिसिन खाई तो उठी, काम करवाने लगी, क्योंकि हमने जाना था उधर, जो नया मकान लिया उधर जाना था, सब सामान सेटिंग करनी थी। तो मैंने कहा तू कंबल कंबल तय लगा ला, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करते भी थक जाते हैं, इतना काम हो बढ़ जाता है जब शिफ्टिंग करते हैं मकान की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है काम। हम तो इतना हो गया कि हम तो बीमार ही पड़ गए, लातों में दर्द, पैरों में दर्द, इतना बुरा हाल हो गया कि काम करने मुश्किल हो गया। खिलारा देख के मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी कि बस पूछो मत। इतना खिलारा पड़ गया था, देखा नहीं जा रहा था। फिर मैंने लड़कियां बुलाई, दो तीन लड़कियां बुलाई, तो फिर ठीक करवाया सारा, साथ लग के एक लड़का बुलाया छोटा, दो तीन जने बुलाए बुलाए, फिर जाके उसका सामान दिखवाया। इसलिए मेरी वीडियो भी आज थोड़ी लेट हो गई है, मेरे को वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला, थोड़ी सी बस जाके कंचन के घर बनाई, आपका थोड़ा बहुत काम करा, साथ में कंचन को लगाया। सुबह मॉर्निंग टाइम उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि नन्नू ने भी काम पे जाना था, तो मेरे से ना रोटी बनी ना सब्जी बनी। मैंने फिर बाद में उसकी रोटी सब्जी भेजी बना के। कपड़े तय लगाए पड़े थे, अलमारी में नहीं रखे जाते थे, इतना मेरा बुरा हाल हो गया था। वो कंचन रख रही थी कपड़े, धोए थे कपड़े, कपड़े धोने वाले पड़े थे, अभी दो तीन दिन में गेस्ट आने वाले हैं, दो दिन में। तो जल्दी जल्दी हम निपटा रहे थे भी जितना काम हो जाए उतना ही ठीक है, बाद में गेस्ट आ जाएंगे तो होएगा नहीं काम, वो आगे जाके बताएंगे हम कौन से गेस्ट आ रहे हैं दो दिन के बाद। तो लो जी कंचन रख रही थी कपड़े अलमारी में, नन्नू के भी बाहर पड़े हुए थे, तय लगा दिए थे, रखे नहीं गए थे। तो मैं कर रही थी घर का काम, सफाई वगैरह, बर्तन, और कंचन कपड़े बिस्तरे उठा रही थी। एक लेडीज़ को घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जाना था फिर कंचन के घर, मैंने जल्दी जल्दी काम करा, कंचन ने भी काम करा, कपड़े कपड़े रखे अलमारी में। तो फिर हम चले गए उधर, लड़कियों को साथ लेके गई थी मैं, जो मेरे घर आती हैं, पहले वो वीडियो में नहीं आती थी, आज कहती आंटी हम वीडियो में आ जाएंगे। मैंने कहा भी वीडियो में तुम्हारी वीडियो शूट होगी, कोई वो टेंशन तो नहीं है? कहते नहीं है। आज वो वीडियो में भी आ गई, नहीं तो वीडियो में भी नहीं आती थी। मेरे घर भी थोड़ा बहुत काम करवाया, आटा वाटा गुंधवाया, उसके बाद हम सारे जने उधर चले गए कंचन के घर। उधर एसी की पता नहीं क्या होगा, इतना पैसा लगाया एसी में तो एसी की कूलिंग अब भी नहीं आ रही। फिर मैंने फ़ोन करा एसी वालों को, एसी वाले अभी आए नहीं थे आज, फ़ोन करा था भी चेक करके जाओ, एक उसके दरवाज़ा नहीं है, वो मैंने बोला दरवाज़ा भी नया लगवाना पड़ेगा। आज मेरे घी भी ख़त्म हो गया था सवेरे सवेरे, तो फिर मैंने मलाई मेरी इकट्ठी हुई पड़ी थी, मैंने घी निकाला, क्योंकि मैं तो घर ही बनाती हूँ घर के लिए मलाई इकट्ठी करके। लो जी मेरा घी बन के भी रेडी हो गया। तो उधर से जो दूध बचा था थोड़ा दूध उसमें और मिलाया, बचा हुआ था बासी दूध दूध था, मैं इकट्ठा कर लिया था सारा दूध, तो फिर मैंने उसका पनीर निकाल लिया था।
खट्टा नींबू डाल के। तो मैं लगी थी काम करने के लिए, सफाई सफाई, डस्टबिन मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े थे। मैंने कहा आज कल डस्टबिन भी धो लेती हूँ, वाश बेसिन भी धोने वाला पड़ा था, कलर लग जाता जब कलर कुलर लगाते हैं। तो दो दिनों से काम ही नहीं अच्छी तरह करा था। मैं घर का भी काम कर रही थी, कंचन के घर भी काम करना था। तो ये बोलती रहती है तू इतनी गर्मी में लगी रहती है, क्या करें, काम घर का तो करना ही पड़ता है ना। जब तक अच्छी तरह काम ना, मुझे टेक नहीं आती। सोफे के कपड़े भी खिलरे पड़े थे, तो ये सोफ़ा मैं कंचन को दूंगी और दूसरा सोफ़ा मैं जो पहले लगा हुआ था घर कंचन के पास था वो मेरे पास था, वो कंचन ले गई थी, तो वो सोफ़ा उधर नहीं लगा, तो ये उसको दूंगी, उसका सोफ़ा मैं अपने घर लेके आऊंगी। वो हमने बट्टा सट्टा कर लिया था पहले, उसके कम रूम में आ नहीं रहा था, वो सोफ़ा बड़ा था, ये छोटा है, ये अलग अलग पीस है, वो दूसरा है कॉर्नर सोफ़ा वो बड़ा है। तो मैं कहा चल ठीक है, तू ये सोफ़ा ले लेना, मैं वो लेके आऊँगी, वो ले लूँगी, जब सोफ़ा भी हम चेंज करेंगे, जब उसका दिल करेगा तो वो ले जाएगी सोफ़ा अपना। वो मैंने बोल दिया जब तेरा दिल करे वो ले लेना, नहीं तो ये ले लेना जैसा तेरा दिल करता है। वो कहती नहीं मेरे को यही अच्छा लगता है, मैं यही लूँगी, वो अब सोफ़ा आप ही घर ले जाना। मैंने कहा चल ठीक है, इतनी गर्मी है, कुछ भी करने को मन नहीं करता, ना तैयार तुर होने को, वे कोई तैयार हो के कहीं जाएं गर्मी में। सामान की इतनी टेंशन पड़ गई कि कैसे उठाएंगे, पर उठा ही लिए इतनी गर्मी में। सामान बहुत मुश्किल हो जाता, सामान उठाना रखना। अब सामान रख के हम उसके बाद दो दिन बाद गेस्ट चले जाएंगे, तो फिर देखते हैं चौकी का भी बनाते हैं, क्योंकि बाबा जी की और माता जी की चौकी करवानी है कंचन के घर, तो शुद्ध हो जाएगा घर। अभी वो जो थोड़ा गंगा जल भी वो करना है, छिड़कना है, गंगा जल भी लेके जाना है, उसके बाद करेंगे फिर काम शुरू। लो जी हम पहुंच गए कंचन के घर, आप देख ही रहे वीडियो में, सामान लगा दिया, अभी कपड़े तह लगाने हैं, बेड लगाया, बेड शीट बिछाई, कवर चादर भी बिछा दी है, और पूरा ड्रेसिंग टेबल सब कुछ लगा दिया। अभी सामान लगाना उसके ऊपर बाकी है, थोड़ा थोड़ा करते भी इतना हो जाता है ना। अभी देखो कितना खलारा मचा हुआ, सामान ना है सारा, आज पूरा ख़त्म करना है। सोफे बाहर जितना थोड़ा थोड़ा करके ले आ रहे हैं, सामान अंदर लगा रहे हैं, कूलर सब कितना खलारा, किचन का सामान भी अभी लगाना, मिलजुल के पूरा सामान लगाएंगे, सेटिंग करेंगे। लड़कियां देखो बेचारी लगी हुई, आंटी भी साथ में लगाया, उनको भी सब लगे हुए हैं कपड़े तय लगाने के लिए, इतना खिलारा मच गया था कपड़ों का। तय लगा रहे हैं कपड़े, अलमारी के भी, बेड में से भी निकाले बेड के भी कपड़े, इतना बस पूछो मत, इतना कपड़े इकट्ठे करे हुए हैं। इसको उसको बोलूँगी कि छांटी करेगी, जो देने वाले वो दे देगी जी, जिसको जो उसने अपने आपके कपड़े वो रख लेगी ज़रूरी। मैंने बोला है लड़की बेचारी गरीब है, लड़कियों को ही दे देना कपड़े पाने के लिए। अब तय लगवा रही हैं कपड़े, मिलजुल के कर रहे हैं सारा काम। उसके कपड़े देख देख के छोटी वाली तो हंस रही थी कि देखो कैसे कपड़े हैं दीदी के, तो कह रही मेरे कपड़ों का कंजर, बोलती मेरे कपड़ों का मजाक ना उड़ा, हंस रही थी देख देख के छोटी। काम बहुत करवाती है छोटी छोटी लड़की, बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं। लोगों को पता नहीं क्या होता है, वो जलन होती है लोगों को कि उसने घर कैसे लिया कैसे नहीं लिया। उस दिन बेचारी ने किस्तों पे घर लिया, ठीक है, 8-9 हज़ार का था, अगर नगद लेते तो उसने 1,00,000 का था, 8-9 लाख का था मकान, तो और बेचारी ने किस्तों पे लिया था, 14-15 लाख का हो गया किस्तों पे। जब किस्तें देंगी इतनी बड़ी बड़ी किस्तें देंगी, तो लोग कितने लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, उसकी वीडियो पे, उसके ऊपर वीडियो देख देख के उसका, अगर पता नहीं उसने कैसे कैसे मकान लिया है, कैसे कैसे किया है, हमने कैसे बेचारी किराए पे रुलती फिरती थी, तो क्यों उसका मजाक उड़ा रहे हो आप लोग, क्यों वो खरीद नहीं सकती थी मकान, क्या उसको कमेंट कर रहे हो। लो जी मैं लगी हूँ टोकरा लगवाने के लिए उसके, वो लड़कियों का बेचारी का डैडी आया था, टोकरा नहीं था लगाने की, जगह भी कम थी, पर फिर भी लगाई दिया थोड़ी सी जगह में टोकरा,
तो बाहर की सफाई भी होने लग गई है, खिलारा उठा रहे हैं, खिलारा ही बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने बोल दिया इसको फालतू सामान इधर नहीं चाहिए तो वो फेंक दे, जो वेस्ट वाला है वो फेंकवा दिया मैंने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को एंड कर रही हूँ, ठीक है।